तो गाइस आज मैंने इस एसी में काम किया था तो यहाँ पे लीकेज थी, इसमें वाल दोनों वाल में लीकेज थी और मैंने दोनों वालों को चेंज कर दिया है। मैंने फिर यहाँ पे देखा, यहाँ पे ऑयल नहीं था पर मुझे शक हो गया कि यहाँ पे लीकेज हो सकती है। मैंने इसको हीट किया हल्का सा और फिर ब्रश मारा तो लीकेज सामने आ गई। तो गाइस आपसे ये कहना चाहता हूँ मैं कि आपको लीकेज यहाँ पे ऑयल नहीं है, ठीक है, हीट करके जॉइंट तो देखना है, कैपिलरी वाला जो पाइप होता है जॉइंटों पे लीकेज चेक करनी ज़रूरी है, ठीक है। आप वाल चेंज कर दोगे तो वो लीकेज बन जाती है बाद में, तो आपको ज़रूर ध्यान से ऐसी ऐसी लीकेज को ज़रूर पकड़ना है। जैसे मैंने ये लीकेज पकड़ी है, देखो ऑयल नहीं था यहाँ बिल्कुल भी, फिर भी मुझे शक हुआ और मैंने हीट करके देखा तो लीकेज है। तो ऐसी लीकेज से आपको बचना है, डबल डबल मेहनत करा देती है ऐसी लीकेज, तो इन पर थोड़ा ध्यान रखें, इनको ऐसे लीकेजों को ज़रूर पकड़ें। अब पकड़ दे तुरंत बंद कर दो, ठीक है। अब मैं इस पर करता हूँ बेल्ट, ठीक है गाइस। थोड़ा इस पर ध्यान देना है आपको, मतलब इन चीज़ों पे, मतलब वाल पे लीकेज है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ लीकेज है तो और लीकेज नहीं हो सकती। जहाँ भी आपको शक हो, हल्का सा भी ऑयल हो, हल्का सा भी लगे ना कि हाँ यहाँ लीकेज हो सकती है, तो उसको हीट करके तुरंत चेक करो प्रेशर डाल के, ओके गाइस। तभी रिपीट नहीं आएगी, नहीं तो रिपीट आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, डबल डबल मेहनत होती है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो भी जॉइंट आपको लीक लगता है उसे